अजमेर पुलिस ने गुरुवार को एक बड़ा कार चोर खेरो का खुलासा किया है, जो सिर्फ 5 मिनट में चाइनीज डिवाइस से हुंडई की क्रेटा गाड़ी को चोरी करते थे। और पुलिस ने इस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 11 गाड़ियां बरामद की गई है। इनकी कीमत करीब 2 करोड़ बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें, पूछताछ में 100 से ज्यादा वारदातें करना कबूला है। आरोपियों की पहली पसंद क्रेटा गाड़ी है, जिन्हें चोरी करने के बाद वो तस्करों को बेचा करते थे। अजमेर रेंज आईजी के खुलासे के बाद पुलिस ने मीडिया के सामने मुख्य आरोपी से वारदात का पूरा डेमो करवाया। आरोपियों ने कांच का शीशा तोड़ने से लेकर चाइनीज डिवाइस से गाड़ी का लॉक खोलने तक का पूरा डेमो किया। पुलिस आरोपियों से मामले में पूछताछ में जुट गई है, जिनसे कई तस्करों के गिरोह और वारदातों के बारे में खुलासा हो सकता है। अभी तक इनसे हुई पूछताछ में करीब 40 गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसमें 11 गाड़ियां इनके कब्जे से जब्त की गई हैं। 11 गाड़ियां और लोकेट कर ली गई हैं, जो अन्य मुकदमों में थाने पे हैं। बाकी गाड़ियों का खुलासा आने वाले दिनों में तफ्तीश में होगा। इसमें 4 व्यक्ति जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, उनमें कुंजीलाल गुजर है, जो कि जिला सवाईमाधोपुर का रहने वाला है। विनोद कुमार मीणा है, जो जिला दौसा का रहने वाला है। इन दोनों को वर्ष 2008 में भी अजमेर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, और राजस्थान में जगह जगह पर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इनके दूसरे साथी हैं विमल कुमार, जो जोधपुर का रहने वाला है, और राम निवास बिश्नोई है, ये भी जोधपुर का है। अजमेर पुलिस ने गुरुवार को एक बड़े कार चोर गिरोह का खुलासा किया है, जो सिर्फ 5 मिनट में चाइनीज डिवाइस से हुंडई की क्रेटा गाड़ी ही चोरी करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 11 गाड़ियां बरामद की गई हैं। इनकी कीमत करीब 2 करोड़ बताई जा रही है। साथ ही पूछताछ में 100 से अधिक वारदातें करना कबूला है। आरोपियों की पहली पसंद क्रेटा गाड़ी है, जिन्हें चोरी करने के बाद वो तस्करों को बेचा करते थे। और अजमेर रेंज आईजी के खुलासे के बाद पुलिस ने मीडिया के सामने मुख्य आरोपी से वारदात का पूरा डेमो करवाया। आरोपियों ने कांच का शीशा तोड़ने से लेकर चाइनीज डिवाइस से गाड़ी का लॉक खोलने तक का पूरा डेमो किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है, जिनसे कई तस्करों के गिरोह और वारदातों के बारे में खुलासा हो सकते हैं। जावेद खान संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गई है। जावेद, आरोपियों 2 करोड़ की लग्जरी कार चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, क्या जानकारी? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अजमेर जिले भर से गत कई दिनों से जो है लगातार लग्जरी गाड़ियों की चोरी की वारदातें बढ़ रही थी, जिसको लेकर के स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जो है विभिन्न टीमें गठित की थी। इसको लेकर के आज पुलिस को भारी सफलता मिली, जिसमें जिसका जो है खुलासा आईजी रुपेंद्र सिंह जी ने किया है। और लगभग 11 लग्जरी गाड़ियां जो है उन्होंने जब्त की है, और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इतने शातिर थे कि वह बहुत हाईटेक तरीके से जो है गाड़ियों को चोरी किया करते थे। अभी लगभग 100 वारदातों को इन्होंने कबूला है, और भी इनसे वारदातें कबूली जा सकती है। जी ठीक है, क्या कुछ बरामद किया गया जावेद, और पूछताछ में क्या सामने आया है? कई डिवाइसें जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें जिनको ये गाड़ी चोरी करने में काम में लिया करते थे, वो इनसे बरामद की है। 11 जो है लग्जरी क्रिएटा कार जो है वो इनसे बरामद की है, और कई मोबाइल फोन्स भी इनसे बरामद किए हैं। कई गाड़ियों के नंबर प्लेट इनसे बरामद किए हैं। अभी गहनता से पूछताछ जारी है, और भी कई खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है। जी ठीक है, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आरोपियों ने कैमरे पर वो सभी डेमो करके दिखाया पुलिस को, जिस तरीके से वो गाड़ी के लॉक को तोड़ते थे और उसके अंदर और वो गाड़ियों को चुरा कर भाग जाते थे, वो सारा डेमो पुलिस के सामने उनकी तरफ से किया गया। चलिए, यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार सहयोगी पूजा के साथ देखिए 50 बड़ी खबरें।